बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन खूबसूरत नज़ारों के अंदर आज के इस प्रोग्राम हम होंगे कामयाब में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये खूबसूरत मुकाम समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर वैली पिकनिक पॉइंट चौकी है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान के 3 यूट्यूबर बहन और भाइयों को प्रमोट करेंगे जिनका लिंक पहले कमेंट्स के अंदर मौजूद है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टूरिज़म न्यूज़ पीके सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये जो नीचे 3 लोगों के कमेंट्स मौजूद हैं आप सब भाइयों से गुजारिश है कि इनको हमने आज प्रमोट करना है। इनके चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस को देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें और इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर चलता रहेगा। जो दोस्त वो यूट्यूबर पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि मैं उनको प्रमोट करूं अपने इस चैनल के ज़रिए, अपने फेसबुक पेज के ज़रिए, तो मेरे इस नंबर पर अपना लिंक भेज दें, व्हाट्सअप कर दें और आप जो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं उसके हवाले से थोड़ा सा तारफ भी करवा दें। तो जो भी यूट्यूबर हैं उन तक हमारा ये लिंक पहुँचाएँ ताकि हम उन सब को प्रमोट भी करें, मिलजुल कर हम जितने भी यूट्यूबर हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। हमारी बहुत सारी बेटियां और बहनें जो अपने घरों के अंदर बाइज़्ज़त तरीके से कुकिंग करके कुछ काम करना चाह रही हैं, अपने चैनल को प्रमोट करना चाह रही हैं, अपने चैनल के ज़रिए मालूमात देना चाहती हैं, उनके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि वो हमें अपना लिंक भेजें, इंशाल्लाह हम उनको प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या राय है कि हम किस तरीके से ज़्यादा लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए उनकी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ ये भी कमेंट्स के अंदर बताना है। और आप लोग अपने अपने लिंक यहाँ कमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं, अपने फेसबुक पेज का अगर कोई लिंक है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर शमूलियत के लिए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना लिंक भेजेंगे एक तरतीब के साथ। मेरे पास बहुत सारे लिंक पहुँच चुके हैं तो एक तरतीब के साथ हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करते जाएंगे। मैं आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप लोग टाइम निकाल कर इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं और जो मैं लिंक डालता हूँ उनको आप लोग सब्सक्राइब जाकर करते हैं और उसके साथ साथ उनको प्रमोट करते हैं। और ख़ासकर वो हमारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर दूसरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, दूसरे ममालिक के अंदर अपने रोज़गार के हवाले से गए हुए हैं, वो भी मुझे आके मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के हवाले से, तो मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो दोस्तों इस पैगाम को आम करें, इस वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारा ये प्रोग्राम इतना कामयाब हो जाए कि एक ही दिन में अगर हम किसी का जो लिंक डालें तो उसके कम अज़ कम सब्सक्राइबर इतने बढ़ जाएँ कि उसके अंदर एक हौसला आ जाए कि मैं इंशाल्लाह अब काम करूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। तो इसको शेयर करें, इसके हवाले से ज़्यादा ऐसा अंदाज में हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं उसके हवाले से आरा मुझे दें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाएं। और मैं आपको इंशाल्लाह रोज़ाना किसी इसी तरह के खूबसूरत मुकाम पर एक नई वीडियो दूंगा और उसका थोड़ा सा तारफ़ भी कराऊँगा। तो मैं इस वक्त हूँ समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कि पंजाब के सबसे करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन है। यहाँ पर एक दर्जन के करीब वाटरफॉल हैं और इस तरह की ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, जंगल हैं, सड़कें अच्छी हैं और यहाँ पर महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है
और सबसे बढ़कर समानी के लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको शेयर करें, जिन दोस्तों के मैंने लिंक इसके अंदर डाले हैं उनको आप लोग जाकर सब्सक्राइब करें, उनको प्रमोट करें। और आप सब दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। तो मैं आपसे अब इजाज़त लूँगा, और इजाज़त लेने से पहले मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब दोस्तों के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी खुशियां अता फ़रमाए, बहुत सारी कामयाबियां अता फ़रमाए। हमारे वो भाई जो किसी बीमारी के अंदर मुबतला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामला आजला अता फ़रमाए, और जो परेशानियों के अंदर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और हमारे वो भाई जो इस पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालक के अंदर हैं, जो कुछ परेशानियों के अंदर हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियां भी दूर करे। तो आज तक इतना ही था, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह निगहबान।